हाय गैस, नमस्कार। आज के इस ब्लॉग वीडियो में आप सबों का स्वागत है दोस्तों, और आशा करते हैं कि आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम बुलबा प्रखंड के एक पर्यटक स्थल पे आपको लेके जा रहा हूँ दोस्तों। और आज का इस वीडियो में बने रहिए, हम दिखाते हैं आज दनगद्दी का जो दृश्य है दोस्तों। आप देख सकते हैं ये जो दनगद्दी का तरंग द्वार है, मुख्य गेट है, इसी से होकर हम आगे दनगद्दी की ओर बढ़ सकते। काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं। और चलिए इसी के साथ मैं आगे आप सबों को और लेके चलता हूँ, मेरे इस वीडियो में बने रहिए। पुनः मैं दनगद्दी के इस पर्यटक स्थल पर पहुँच चुका हूँ दोस्तों, और चलिए हम आज यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाने जा रहे हैं दोस्तों। आप सबों को दिखाते हैं आज का जो नज़ारा है, काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी रोमांचक लगता है। यहाँ आते ही लोग खुशी से गदगद हो जाते हैं। और ये जो जगह है आप देख सकते हैं, यहाँ पे आके आप आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, छाया है। और यहाँ का खूबसूरत जो नज़ारा है उसको यहीं पर आप यहाँ से बैठ के आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो नज़ारा है इधर आप दिखाई दे रहा है, सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं और काफ़ी यहाँ का आनंद ले सकते हैं। और मैं भी थोड़ा सा यहाँ पे बैठ लेता हूँ, काहे कि काफ़ी दूर से आया हूँ, यहाँ पे वीडियो वगैरह से ब्लॉगिंग वगैरह भी करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं कुछ यहाँ पे बैठ लिया और आराम कर लिया, और आगे मैं यहाँ आप सबों को दिखाने का कोशिश करूँगा। यहाँ पूरा साफ सुथरा दिखाई दे रहा है दोस्तों, और मुझे भी मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस ठंडी हवा में तो और आनंद ही कुछ अलग लग रहा है। टावर है एक, लोग इसे हाथी टावर भी कहते हैं, और लोग इसी से होकर हम आप सबों को हम जाते हैं आगे की ओर, और आप सबों को दिखाते हैं। काफ़ी मज़ा आ रहा है चढ़ने में, देख सकते हैं काफ़ी पीछे साइड आप देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। और चारों तरफ आप यहां से होकर देखिए, कुछ पर्यटक लोग यहां पे घूम रहे हैं, और आपके यहां का जो नज़ारा है मैं यहां से सारा चीज़ आप सबों को दिखाने का कोशिश कर रहा हूं। चलिए हम आप सबों को लेकर चलते हैं नदी की ओर, और यहां का जो नज़ारा है वो सब आप सबों को दिखाते हैं दोस्तों। और चलिए, बहुत ही मज़ा आएगा। इधर देख सकते हैं, ये बालू ही बालू है पूरा, और काफ़ी मज़ा आता है। पानी यहाँ तक बरसात में भर जाती है, अब अभी पानी नहीं है, और जब बरसात में ये एकदम छलकती रहती है यहाँ की पानी, आप यहाँ से आराम से यहाँ का बरसात में मज़ा। यहाँ का नज़ारा हम आप सबों को दिखाते हैं दोस्तों, और काफ़ी बेहतरीन है दोस्तों। यहाँ का जो नज़ारा है आपको देखते ही काफ़ी खूबसूरत लगेगा। आप देख सकते हैं इधर का जो नज़ारा है, इतना आनंद से भरपूर है दोस्तों कि कहना ही नहीं। यहाँ जब भी आते हैं, यहाँ की जो खूबसूरत यहाँ की वादियाँ हमें देखने में मजबूर कर देती है, और ऐसे जगह हमें ऐसे बुलाती है कि हम चाह कर भी ना चाह कर भी हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों। और यहाँ का आप नज़ारा हम जो आप सबों को दिखाना चाहते हैं, दनगद्दी का ये खूबसूरत दृश्य, बहता उछलता छलकता जो पानी है उसको आप सबों को, यहाँ का जो पहाड़, यहाँ का जो पत्थर है उसके सारा नज़ारा आप सबों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। और चलिए, तो बने रहिए आज मेरे साथ, आप सबों को यहाँ की सैर कराता हूँ। आपको घर बैठे यहाँ का जो दृश्य है उसको आप सबों को साझा करने का काम कर रहा हूँ दोस्तों, और बने रहिए। अगर मेरे वीडियो में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि आप सबों के सपोर्ट से मैं और नए नए वीडियो आप सबों के समक्ष मैं ला सकता हूँ। पीछे साइड आप देख सकते हैं, कुछ पर्यटक लोग इधर देखने आए हैं, घूमने आए हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है इधर देख सकते हैं, किस टाइप से आप सबों को दिखाई दे रहा है। और हम कैमरा घुमा के आप सबों को दिखाना चाहते हैं इधर का जो दृश्य है, देख सकते हैं पहाड़, और यहाँ से इधर से पानी जो बहती है, ये क्षेत्र जो है पानी इधर से बहते हुए आती है, और काफ़ी बरसात के दिनों में काफ़ी भरा रहता है, और बरसात के दिन आप सबों को देखने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। और जब भी यहाँ पर आइएगा, थोड़ा सा संभल के चलना है, यहाँ का जो पत्थर है काफ़ी चिकनाहट है, और हमेशा यहाँ पर फिसलने का डर रहता है, और
नशे करके, तो आप यहाँ पे ना आए वो अच्छा है, और ऐसे समय में आए कि आप नशे में ना हो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ख़तरनाक है। और आप देख सकते हैं यहाँ का जो दृश्य है, काफ़ी चिकनाहट है, और इस क्षेत्र में जो पानी बहता हुआ जा रहा है ये काफ़ी गहरा है, और लोग यहाँ जब भी पिकनिक में आते हैं तो यहाँ एक्चुअली फिसल कर गिर जाते हैं। तो आप जब भी आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले आप यहाँ नशे की हालत में मत आइए दोस्तों। और जब भी आए अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्त यारों के साथ आइए, और यहाँ का एंजॉय आप कर सकते हैं। और आप काफ़ी मज़ा है किस तरह से यहाँ पे पत्थर के ऊपर पत्थर दिख रहा है, और काफ़ी बड़ा बड़ा चट्टाने हैं। ऐसा बसंत ऋतु में पानी कम हो जाती है, देख सकते हैं नज़ारा, और आपको दिखा रहे हैं यहाँ जो ये देखिए, यहाँ पे टावर बनाया गया है, एक मंच बनाया गया है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम वगैरह। दोस्त देख सकते हैं किस तरह से हम यहाँ से गुजरते जा रहे हैं, देखिए पत्थर पत्थर है, और इसी पत्थर से होकर हम यहाँ जा रहे हैं। देख सकते हैं मज़ा आ रहा है, देख सकते हैं, और यहाँ पे जो दृश्य है काफ़ी खूबसूरत है, और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम लगा रहे हैं, और ये काफ़ी खाई है, काफ़ी गहरा है, और काफ़ी खतरनाक है, आप देख सकते हैं दृश्य है, और कुछ लड़के लोग नीचे गए हैं, देख सकते हैं यहाँ का जो भी दृश्य है काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, और मुझे भी यहाँ देखते हैं जाने का मन नहीं कर रहा है। चलिए फिर यहाँ से होकर और कुछ दूर आप सबों को लेकर चलते हैं। पूरा यहाँ का जो दृश्य है आप सबों को नहीं दिखा पाए हैं, और मैं कोशिश करूँगा आगे का जो दृश्य है आप सबों को एक एक कर दिखाने का। और चलिए बने रहिए मेरे इस वीडियो में, थोड़ा सा अच्छा नहीं है तो इस वजह से मैं मेरा गला भी बैठ गया है, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पीछे साइड जो नज़ारा देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ का नदी का एरिया है, इस नदी क्षेत्र है, और काफ़ी यहाँ जगह है आप देख सकते हैं। और चलिए हम आप सबों को मिलते हैं और ऐसे जगह में जहाँ से पानी नीचे गिरती है, और ये जगह काफ़ी खतरनाक है, और देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से होकर मैं आगे जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी गर्मी लग रहा है, और मैं इसी गर्मी ऐसे जगह में जा रहा हूँ, देख सकते हैं। मुझे भी पता नहीं है कहाँ कहाँ से होकर जाता है, काफ़ी गर्मी लग रहा है, और थक गए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आराम करते हैं और चलते हैं आगे की ओर। आप कोशिश करते हैं जो पीछे साइड देख रहे हैं, तो पीछे साइड से होकर जाना होगा, और मैं बैग लेके चल रहा जगह छोड़ देता हूँ मेरा बैग को, और कोशिश करते हैं यहाँ से होकर जाने। आप देख सकते हैं इधर से हम दिखा रहे थे इधर का जो नज़ारा है, इधर से होकर पूरा पानी भरते हैं, और देख सकते हैं किस तरह से जो नज़ारा है काफ़ी खतरनाक दिख रहा है यहाँ का दोस्तों, और देखते ही बनता है यहाँ का जो नज़ारा, यहाँ की जो धार है काफ़ी खूबसूरत है, यहाँ पानी का जो आवाज़ छल छल करता आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये जो नज़ारा है यहाँ की काफ़ी खूबसूरत है। और आप भी कभी आए इस हसीन जगह पे अपने दोस्त यारों के साथ, काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों, और मैं भी यहाँ पर आया हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है, और काफ़ी मज़ा आ रहा है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे झरना देख बह रहा है, ये जो झरना है काफ़ी मज़ा आ रहा है, यहाँ पे लोग सेल्फी वगैरह सब ले रहे हैं, और सुकून का ला रहा है जब पानी यहाँ का जो फुहारा जब ऊपर से गिर रही है, उसकी जो वाष्प जो बन के इधर हमारे तरफ इसकी बूंद जब आ रही है, तो काफ़ी ठंड महसूस हो रही है, एसी का मज़ा लग रहा है दोस्तों, काफ़ी खूबसूरत लगता है यहाँ जब आने में, आप देख सकते हैं। चलिए आप सबों को मैं दिखाता हूँ यहाँ का जो नज़ारा है, वो सबों को काफ़ी खतरनाक है आना,
यहाँ पर मैं आप सब को कुछ खतरनाक जगह लोकल कोशिश कर रहा हूँ यहाँ का नज़ारा दिखाने का। आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं, ये झरना का पहले ये टूट गया, पहले बड़ा था और छोटा था, इसी छोटी जगह में आप सबों को मज़ा आएगा। मज़ेदार है और आप लोग आएँ अपने दोस्त यारों के साथ इसी जगह पर पिकनिक मनाने घूमने जरूर आएँ दोस्तों। और आप सबों को सकते हैं यहाँ का धनगद्दी का ऊपर का जो दृश्य है पूरे चट्टान से भरी पड़ी हुई है और देख सकते हैं किस तरह से चट्टान भरी हुई है और इसी चट्टानों के बीच छल छल कुत्ता छलकता पानी आप सबों को देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ से बहती हुई नीचे की ओर पानी किस तरह से गिरता है, कोशिश करूंगा आप सब हमको दिखाने के लिए। और चलिए हम दिखाते हैं आगे की जो दृश्य है काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर कुछ लोग सेल्फी ले रहे हैं और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, जोहार, थैंक यू दोस्तों सपोर्ट करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।